मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रहा हूँ हर्ले X440 को टेस्ट राइड करने। तो नाई एम ऑन बोर्ड माई होंडा हाइनेस। मैं अभी होंडा हाइनेस पे चल रहा हूँ, तो मुझे प्राइमरली देखना है कि इसका वाइब्रेशन और X440 का वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं अभी मैवरिक चलाया था 7 दिन पहले, उसका वाइब्रेशन और हाइनेस का वाइब्रेशन पे काफ़ी फ़र्क है। हाइनेस का वाइब्रेशन काफ़ी कम है और स्मूथ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हाइनेस अगर आप 70 पे चला रहे हो और 100 पे चला रहे हो, दोनों का स्मूथनेस सेम है, मतलब इट डजंट चेंज ओवर इंक्रीज इन RPM द वाइब्रेशन। ये देखो, मैं अभी फुल थ्रोटल देके निकल गया और इसका जो वाइब्रेशन था वो बिल्कुल सेम रहा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अभी मैं थ्रोटल अप कर रहा हूँ, इसका वाइब्रेशन में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द यूनिक USP ऑफ दिस होंडा इंजन। जहाँ तक मैवरिक का सवाल है, विद द सेम इंजन वाइब्रेशन काफ़ी हद तक मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट ऑडियो थोड़ा डिफरेंट है, मैवरिक से इसका एग्जॉस्ट ऑडियो थोड़ा डिफरेंट है। क्लच थोड़ा एडजस्टमेंट्स का ज़रूरत है, ब्रेक रियर ब्रेक काम नहीं कर रहा है ज़्यादा, सर फ्रंट काम कर रहा है। थोड़ा एक्सेलरेशन देख लेता हूँ, एक्सेलरेशन तो बढ़िया लग रहा है। अब मैवरिक से थोड़ा फर्क आ रहा है इसका, मैवरिक से थोड़ा फर्क है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मैवरिक है, जैसे कि एक्सेलरेशन में भी थोड़ा सा पता चला और ऑडियो में भी फर्क पता चला। दो चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो मैवरिक और हार्ले का बिटवीन, जो कि डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एग्जॉस्ट नोट जो है थोड़ा डिफरेंट है, एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बेसी है और बाकी स्टीयरिंग पोजीशन वगैरह सेम है। एक्सेलरेट कर रहा हूँ, सेकंड गियर से जा रहा था इसलिए थोड़ा वो है, थर्ड गियर फोर्थ गियर। एक्सेलरेशन बहुत इम्प्रेसिव है, अच्छा लग रहा है। वाइब्रेशन जो है बार पे वो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट लाइक मैवरिक, हो सकता है थोड़ा कम है वो। ब्रेक मैवरिक का फ्रंट का अच्छा लगा था, पता नहीं इसका, तो ये तो ब्रांड न्यू है, इसमें नंबर भी नहीं लगाया। एक्चुअली हुआ यूँ, इनका जो टेस्ट राइड व्हीकल है वो गया है सर्विसिंग में, अभी आया नहीं है, इनको पता नहीं था, ये मुझे आने के लिए बोले और अभी गाड़ी नहीं है, अभी इस गाड़ी को उतारा इन्होंने। थर्ड गियर पे 44-45 के सीप पे वाइब्रेशन मिनिमम है, अच्छा लग रहा है और टॉर्क फील होता है जब भी आप छोड़ते हो एक्सेलरेशन, तो टॉर्क आपको जो है वो एक हल्का सा झटका लगाता है। एक्सेलरेशन ठीक ही है, आप लोगों को पता है मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ, तो उसका ट्विन सिलेंडर एक्सेलरेशन अलग ही है। जब इसको आप पुल करते हो, इंटेक रोर और एग्जॉस्ट नोट अच्छा है। एक वाइड बार हैंडल बार मोटरसाइकिल चलाने का एहसास देता है ये, लेकिन सीट थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऊपर में बैठा हूँ, बाइक का ऊपर बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाइक का अंदर बैठा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बाइक का ऊपर बैठा हूँ। ये गाड़ी लीन लेने नहीं दिया, फिर भी मैं ले रहा हूँ, ये लीन ले लिया मैं, अच्छा लगा लीन लेने में। 80 पे मैंने लीन लिया और अभी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ये 6 गियर पे जा रहा हूँ, फुल थ्रॉटल ले दिया। मेरा राइट रिस्ट देखिए फुल है, 111, ओ यहाँ डिवाइडर है, 108 110, ये फुल थ्रॉटल जा रहा है। टॉप स्पीड आप लोग देखो 100 से खींच रहा है ये, ब्रेक करना पड़ेगा मुझे अभी 120।
121, ऑडियो बहुत अच्छा है, ऑडियो मुझे सही लगा। कुछ तो है ये मैवरिक और इसमें, कुछ तो फर्क है, फर्क इन द सेंस पॉजिटिव फर्क कुछ है हार्ले पे, मैवरिक और हार्ले के बीच कुछ तो पॉजिटिव फर्क है। ये फर्क है, ये जो ऑडियो ब्लास्ट हो रहा है इनटेक, ये अच्छा है ऑडियो। फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है, मुझे पता नहीं, लग रहा है थोड़ा हार्ड सेटिंग है इसलिए। वाइब्रेशन जो मैं पहले बात कर रहा था, मेरा हाईनेस चलाते वक्त वाइब्रेशन का जो इशू है, ये तो मैवरिक और इसमें टॉप लेवल वाइब्रेशन सेम ही है। मेरा होंडा हाईनेस इससे स्मूथ है, मैं फिर भी बोलूँगा। जैसे ये 82-85 पे चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, वेरी स्मूथ विदाउट एनी वाइब्रेशन। ये देखो मैं ये व्हाइट लाइन फॉलो करूंगा, शॉक पे चलाने पे ऐसा कोई इशू नहीं है, आराम से चला सकते हैं। शॉकर्स सही है, स्ट्रीट सेटिंग पे है और अच्छा लग रहा है। इसका फ्रंट ब्रेक जो है सॉफ्ट एक्शन है और मैवरिक का फ्रंट ब्रेक जो है वो हार्ड एक्शन है, इतना फर्क तो मुझे पता चल गया। सेकंड गियर मैवरिक चलाते वक्त एक चीज़ पे मुझे पता चला था, सेकंड गियर पे उसको आप डेड स्पीड से खींच सकते हो। इसको पता नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, अभी सेकंड गियर से खींच रहा हूँ। डेड स्पीड पे खींचने से इसको इतना वो नहीं आया जितना मैवरिक में आया था, इसका मतलब दोनों का गियरिंग में फ़र्क है। इसको आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, जैसे आप डेड स्पीड पे जाते हो उसको फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। सेकंड गियर भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है, हालांकि इसका टॉर्क ज़्यादा है। एक्सीलरेशन ऑडियो इज वेरी नाइस, वेरी लाउड। बट इट्स नो वेयर टू ए ट्विन सिलेंडर ऑडियो। You just can't say that there is some similarity with Harley Davidson twin cylinder audio. Pop, 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 pop. It's not like that. Potato, potato, potato. The typical potato sound you can't have. Mechanism you apply on your exhaust tank, it will emanate only a single cylinder sound. The bass you can manage, you can improve the bass, you can add some extra bass to your audio. See, from second gear I am pulling, a little bit of lagging I am feeling, जो कि मैवरिक में नहीं फील हुआ था। So this is basically Harley Davidson. I wanted to compare it with my Honda Highness. First thing, the weight is almost same, the seat is better than the Highness. The steering vibration is almost same, but at high speed the Highness is smoother than this one. Highness का steering vibration जो है कम है 100 पे चलने से, इसका 100 पे चलने से steering vibration थोड़ा ज़्यादा है। और इसका मैवरिक से compare करें तो इसका front brake soft है, मैवरिक का front brake hard है, बहुत कड़क है। और rear brake जो है दोनों का बराबर है,
सीट इसका बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक फील होता है कि आप ऐसे बैठे हो, थोड़ा बैक साइड आपका ऊपर है, ऐसा फील होता है। बाकी तो सही है, सिटी बाइक जैसा ही है, 100-110 पे चल सकता है, उससे ज़्यादा तो चल नहीं सकता है। 110 से ज़्यादा चलेगा तो इसमें आपको वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होगा कि आप चला नहीं पाओगे ज़्यादा देर, जबकि मैं हाईनेस पे 100-110 पे चलाया काफ़ी लंबा और स्मूथली चलाया। तो ये भाई साहब इसको अभी ले जाएंगे, जाइए आप। हाँ, तो जो मैं अभी दोनों का कंपेयर कर रहा था, तो मुझे क्या एक हाईनेस ओनर हले X440 लेना चाहेगा? समझ लो मैं हूँ, क्या मैं इसको चेंज करके X440 लेना चाहूँगा? ये सवाल टेस्ट राइड के बाद मेरा होगा, आंसर होगा नो। आई डोंट वॉन्ट टू रिप्लेस माई होंडा हाईनेस विथ हार्ले X440। पूछो क्यों? वो इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल होंडा हाईनेस इज मोर कम्फर्टेबल देन हार्ले। हाईनेस का जो एक्सलेरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इंस्पाइट ऑफ बींग ए लो पावर्ड बाइक, लोअर पावर्ड बाइक, नॉट लो, लोअर पावर्ड बाइक देन द X440। हाईनेस का स्मूथनेस और हैंडलिंग मच बेटर है। मैं इसको 3 साल से चला रहा हूँ, अभी भी मुझे बोर नहीं फील होता है। तो मैं क्यों इसको रिप्लेस करूँ जबकि मेरा पास स्मूथनेस ज़्यादा है होंडा हाईनेस पे, और इसका हैंडलिंग और बेटर है X440 से, और प्राइस X440 से काफ़ी कम है। Even after 3 years, I feel excited while riding this motorcycle, along with a pillion. I often go around the city with my wife on this bike only, because Interceptor is not suitable for two up. हाँ, एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा, उसका जो सीट है वो सीट बहुत अच्छा है, लेकिन सीट का पोजिशनिंग जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा मेरा पिछवाड़ा थोड़ा ऊपर हो रखा है, जैसे घोड़े का सवारी होता है, उस तरह सा मुझे लग रहा था। लेकिन सीट का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है, वो हाईनेस से बेटर है, ये तो मानना पड़ेगा। और जो सेकंड गियर पुल है वो मैवरिक में मैंने देखा, सेकंड गियर से वो कितना अच्छी तरह पुल करता है, जैसे कि वो ज़ीरो से पुल कर रहा है, फर्स्ट गियर पे पुल कर रहा है। लेकिन हार्ले पे जो है फर्स्ट गियर पुलिंग जो है, सेकंड गियर पुलिंग जो है मैवरिक जैसा नहीं है, वो बाकी बाइक को जैसा है। और उसका जो 440cc का कितना 38 Nm टॉर्क जो है, वो टॉर्क मुझे फील हुआ, लेकिन वो थर्ड गियर के बाद ही फील होता है, इतना खास भी फील नहीं होता है। जैसे मैं इसको चलाऊंगा, इसका जो टॉर्क फील होगा और उसका टॉर्क फील, वो पेपर में बहुत फ़र्क है, लेकिन प्रैक्टिकली वो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है ड्रैग करने में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स गियर ड्रैग रेस में दोनों बराबर ही जाएगा, बहुत ज़्यादा बराबर शायद नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं आएगा। तो माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट हार्ले इज, इफ समबडी वांट्स ए हार्ले डेविडसन फॉर एन अफोर्डेबल प्राइस, ए सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, यू डोंट माइंड ए सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, यू डोंट माइंड इट्स लुक्स, यू ओनली फैंटेसाइज द बैज, हार्ले डेविडसन बार एंड शील्ड बैज, तब तो आप ये बाइक ले सकते हो। पैसा ज़्यादा पे करोगे आप ये बाइक ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो हाईनेस का मुकाबला ये नहीं है। और अगर आपको 440cc इंजन ही चाहिए तो आप मैवरिक भी ले सकते हो, मैवरिक। इसके अलावा अब तो मार्केट पे काफ़ी सारा चॉइस आ गया है, बजाज का साथ ट्रायम्फ वाला है, अभी ट्रायम्फ टेस्ट राइड करना बाकी है मुझे। और बजाज का अपना देखो NS400Z, टॉप स्पीड और पावर बहुत ही एडवांस्ड है, वो धूल चटा देगा सबको, प्राइस में भी और परफॉर्मेंस में भी। इन दिनों पैसा बहुत कीमती हो गया क्योंकि मनी इज़ इन शॉर्ट सप्लाई फॉर कॉमन पीपल,
people have to work very hard to earn the same money that they used to earn earlier. तभी सोच समझ कर देना है जो बाइक आपको सब कुछ सही क्वांटिटी में देता है उसी बाइक को लेना है। उस हिसाब से हार्ले सही नहीं बैठता है। आपको 440 सीसी चाहिए तो मैवरिक ले सकते हो, वरना होंडा हाइनेस ले सकते हो, या फिर आपको दूसरा बाइक से प्यार है तो आप दूसरा बाइक भी ले सकते हो।